हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल नीताज रेसिपी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के सामने फ़िश पकौड़ा की रेसिपी। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे मैं आलू और फ़िश ले चुकी हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम लोग प्रेशर कुकर का लीड बंद कर देंगे और इसको बॉयल करने में चढ़ा देंगे। तो जब तक ये बॉयल हो जाए, हम लोग एक बाउल में थोड़ी सी कर्ड ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कर्ड ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बेसन भी ऐड कर देंगे, फिर थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, बॉईल किया हुआ आलू और ये बॉईल किया हुआ फिश। अभी आलू को साइड में रख के हम इसको अच्छे से मिक्स करके एक बैटर बना लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारा बैटर भी रेडी हो चुकी है ऑलरेडी। अभी हम कढ़ाई में थोड़ी सी ऑयल ऐड कर देंगे। कढ़ाई में ऑयल ऐड करने के बाद हम लोग सारी सब्जी ऐड कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहले मैं गाजर ऐड की हूँ, फिर प्याज, फिर बॉयल किया हुआ जो आलू था उसको, थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ी सी टमाटर, और लास्ट में थोड़ी सी गार्लिक। सब कुछ ऐड करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और जैसे ही हम ये इसको पकाते रहें, तो हम लोग पोटैटोस को भी अच्छे से क्रश कर लेंगे कढ़ाई में ही। तो हमने सारी सब्जी को अच्छे से पका भी ली है अच्छे से। तो अभी जो बैटर बनाए थे, हम वहाँ पे सारी सब्जी ऐड कर देंगे। फ्राइड किया हुआ जो सब्जी था, हम सब ऐड कर देंगे उस बैटर में। अभी हम ऐड भी कर चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उस बैटर के साथ, सारी सब्जी के साथ। तो हम लोग मिक्स भी कर चुके हैं। अभी कढ़ाई में थोड़ी सी और ऑयल ऐड करने के बाद हम लोग सारे क्रॉकी डम्पलिंग्स ऐड कर देंगे धीरे धीरे। अभी हम दोनों ही साइड अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, हमारे पकौड़ा की रेसिपी भी रेडी हो चुकी है बनके। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी ये सिंपल फिश पकौड़ा की रेसिपी? अगर अच्छा लगा हो तो घर में ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। पकौड़ा रेडी होने के बाद थोड़ी सी नींबू ऐड कर देना, इसके ऊपर स्वाद ज़्यादा हो जाएगी। तब
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कभी न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।